हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 19 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्वार्ड में एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली देव फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एग्जिट का बैच परचेस करने के बाद दोस्तों अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो ग्राहक होते हैं, जैसे हम लोग मार्केट गए, मार्केट में कोई चीज़ खरीदी या कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो दोस्तों हम लोगों ने जो प्रोडक्ट खरीदा तो दोस्तों हम लोग कंज्यूमर हो गए, यानी ग्राहक हो गए। तो ग्राहक के प्रोटेक्शन के लिए, यानी उससे जो ज़्यादा रुपए लिए जाते हैं कभी कभी ग्राहक से, तो दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, जिसको कहा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल एक्ट है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में पूरा डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए यह एक लॉ है जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। यह आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यह एक प्रकार का लॉ है जो कि जो आपका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में पास किया गया। कंज्यूमर को नुकसान से बचाने के लिए यानी यह एक्ट तैयार किया गया, और यह जो आपका एक्ट है ये आपका 1986 का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 में बनाया गया है, उसका मॉडिफिकेशन है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जो आपका एक्ट चल रहा था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 वाला, उसको मॉडिफाई करके 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से लाया गया, और ये एक्ट जो है उन सब चीज़ों पर लागू होगा जो इंडिया के अंदर बेची जा रही हैं, यानी इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस पर ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होगा लागू होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है साइलेंट फीचर ऑफ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी दोस्तों, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो समझ में आया होगा कि दोस्तों अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको जो है जितना रेट यानी उसका फिक्स है किसी भी प्रोडक्ट का, MRP जो होती है उसी के अनुसार आपको दिया जाता है, उससे ज़्यादा रुपए नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं। आप शिकायत कर सकते हैं, आप अपना हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ साइलेंट फीचर हैं, तो साइलेंट फीचर क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी इस अथॉरिटी के, यानी अथॉरिटी जो है इसने जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उसको क्या क्या यानी उसको हक दिए हुए हैं, यानी ये कमेटी कंज्यूमर के राइट को प्रमोट कर सकती है और उसके राइट को प्रोटेक्ट करती है। जो कंज्यूमर के यानी जो भी उसके राइट्स होते हैं और जो भी उसके यानी हक होते हैं, यानी राइट्स हक होते हैं, उसको ये प्रमोट कर सकती है। और यदि कोई कंज्यूमर के राइट का वॉयलेट करता है यानी उल्लंघन करता है, जो कंज्यूमर है उसके जो भी हक हैं, जो राइट्स हैं, उनका कोई भी उल्लंघन करता है, तो दोस्तों ये जो कमेटी होती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस पर्सन पर केस कर सकती है, और ये किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है, किसी के पर्सन के खिलाफ, यानी अगर जो कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट कर सकती है और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई भी कर सकती है। अनसेफ प्रोडक्ट को बेचने से रोकना, जो प्रोडक्ट अनसेफ है उसको नहीं बेचना चाहिए तो उसको ये रोकती है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है। तो ये इसके वर्ग होते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द राइट ऑफ कंज्यूमर, यानी इसने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हैं। कौन कौन से राइट्स दिए हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू बी सिक, रेड जो आपकी रिडेसल है, रिडेसल यानी मुआवजा। तो दोस्तों, यानी जो कंज्यूमर होता है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इसने उसको राइट्स दिया है, उसको यानी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई इन्फॉर्म कर सकता है, ये उसका राइट्स होता है कंज्यूमर का।
और जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लगेगा वही वह खरीदेगा, यानी वही वह चूज करेगा, तो ये उसका राइट होता है कंज्यूमर का। और उसके बाद राइट टू हेयर, अगर कंज्यूमर का अगर उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी बात का उल्लंघन हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसकी बात सुनने का भी उसको, यानी कोई पर्सन है कहीं पर भी शिकायत लेकर जाता है, तो उसका हक होता है कि दूसरा उसकी बात को सुनेगा। और उसके बाद अगर उसका सच में उल्लंघन होता है या उसका कोई भी यानी पैसे की हानि होती है, तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा उसको मुआवजा भी दिया जाता है।